100 वर्षों के बाद भी रानी चित्रा अभी तक जवान और खूबसूरत थी। विवाह के अगले ही विवाह करने वाला फिर कभी दिखाई नहीं देता था। क्या था रानी की उम्र का रहस्य? कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से बहुत दूर होती है। ऐसी ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी चित्रा। रानी चित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कहना था कि उसे अमृता का वरदान है। समय समय पर कई तरह के कायस रानी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में ही है। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। रानी किंग आभा देखते ही बनती थी भरी सभा में। जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड्ढित वस्त्र। रानी के बालों में विशेष गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी नहीं मुरझाते हैं। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा, इसलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी के यह रहस्य ही नहीं बल्कि एक रहस्य और था कि अब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी है, लेकिन रानी के विवाह ज्यादा नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती वो फिर नजर नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी। और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्षों बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। बद्धा बहादुर था, कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था। रानी को मिलने वो सभा में आया। रानी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? राजकुमार ने बोला, ना करने की एक वजह आप बता दीजिए, हमेशा युवा और इतना रहस्य, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है बद्धी, बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल से भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अड़ीक रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछलों की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब था उस रात का समय जिस रात में कई रहस्य है, जिस रात के बाद रानी के कोई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। रानी और राजकुमार की सुहागरात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया, उसे कुछ अजीब चीजें नजर आईं। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जागे रहना है। रानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत क्यों हो? आज हमारी सुहाग रात है। रानी खड्डी होकर राजकुमार के पास आ गई। रानी उसे पिंजरे के मुंह के पास ले आई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया, उसकी बद्धी आंखों में खो गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे, उसके बालों को हाथ लगया और उसमें लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुका, फिर सोचा, हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। रानी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब को बालों से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई, कहां था, उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई।
राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर ये गुलाब क्या है और तुम्हें कहां से प्राप्त हुए। रानी डरी और राजकुमार के पास आई, बोली कि अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे में भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और रानी फिर जोर से हेंसते हुए बोली, ले देख ले तेरे जैसे कितने मैंने गुलाब बनाकर अपने जुड़े में लगा लिए और उनकी आयु भी मुझे मिलने से मैं अभी तक जवान हूं। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने बालों में लगा लिया। यह पिंजरा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया। कहानी कैसी लगी बताना जरूर।